पूरा इंडिया दीवाना है उनके लिए। नाम सुनिंदा जोड़ा, मैं कर्नाटक से हूँ। आप लोग स्टेशन के सामने भारत का होटल देखे होंगे, देखे है ना। मैं वहाँ पर चार साल, अभी नहीं 2000 के पहला मैंने उधर छोटू का काम करता था, पानी देने का, घास उठाने का, ऐसा काम करता था। और मेरा होटल लाइन का ही जिंदगी थी। एक अनजान इंसान के थ्रू ये मेरे को माई लाइफ स्टाइल मिल गया और मैं उस इंसान को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। वो होटल का कभी कस्टमर हुआ करता था, मैं उसको जानता था, कभी नहीं था। ये बिजनेस को जब देखा उसके बाद मैंने फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल करने को शुरू किया। मैंने बोला 2-3 साल अगर करके भी देखते हैं, ऐसे भी तो 20 साल मुंबई में चला गया, क्या होता है। लेकिन दोस्त, मैं अगर आज के दिन में अगर पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे जिंदगी में आज मेरे लिए पुनर्जन्म है इस माई लाइफ स्टाइल की वजह से। मैं ना बोल सकता था क्योंकि प्रोडक्ट लेना था यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करने से। मेरे पास घर ही नहीं था, मेरे को प्रोडक्ट की कोई जरूरत, क्योंकि हम होटल में काम करने वालों को सेठ लोग खाना फ्री में देता है और रहने के लिए भी फ्री में ही जगह दिया था। तो मेरे को ये प्रोडक्ट लेके कुछ करने का जरूरत, लेकिन मैंने एक ही चीज़ देखा, होटल लाइन में 20 साल अगर मैं ऐसी जिंदगी को निकला कि कभी हमारा मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर 2-3 साल करने के बाद अगर एक अच्छी जिंदगी मिलती है तो क्यों नहीं करूँ। तो मैंने एडजस्टमेंट करके पैसों को लेके ये बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। आज हमको उतना इनकम आता है, मेरी अवकाश से ज़्यादा पैसा मैं लगता आज हम लोग को देता है। समय मैं कितना कमाता था, 10,000-15,000 तो नहीं है दोस्तों, 10-12,000 कमाता तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा होता था। आज अच्छा इनकम आता है जिसके बारे में मैं बोल ही नहीं सकता। बस आपको एक ही चीज़ बोलता, आप जो भी कर रहे हो उसको करिएगा, उसको छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसको करते हुए अगर आप हमारा जो टाइम वेस्ट करते हो उस टाइम पे अगर हम लोग इस महिला को करते हैं और यहाँ से अगर कुछ पैसा अगर अपने को सही से आता है तो कोई बुरी बात है क्या सर? बहुत अच्छी बात है। और खुशी का बात यह है कि पेड़ालो साहब ने इतना अच्छा फैसिलिटी बना के हम लोग को दिया है। POC, उसके बाद असम, बंगाली, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सारे कैटलॉग भी ला के रखा हुआ है। जिस भाषा में हमको आता है उस भाषा का हमको कैटलॉग भी मिलेगी। सारे के सारे चीज़ें सबने बना के यहाँ पर दिया हुआ है। और कुछ लोग को लेडीज लोग को शाम को प्रॉब्लम होता है करके दिन में GTS ऑर्गेनाइज किया है। इतना फैसिलिटी अगर हम लोग को मिला हुआ है तो हम लोग को करना चाहिए नहीं है? करना चाहिए कि नहीं है? हम लोग को सबको करना चाहिए क्योंकि सारे लोग को मन में पिछले 1.5-2 साल कैसा गया, बराबर है ना सर? अब भी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो फिर कभी सुधरेंगे? और टाइम ऐसे चला जाता है कि मालूम ही नहीं पड़ता है हमको, बराबर है ना सर? मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सारे लोग ना बोलने के लिए हजारों बहाना है, क्योंकि उस दिन मेरा भी बहाना था। मेरे पास हजारों बहाना था कि मेरे को तो सामान नहीं चाहिए, मेरा पैसा नहीं, मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने एक ही बहाना ढूंढा, उसमें से आठ ऐसा बोलना, समझ रहे हो बात को? ना